बड़ी खबर आ रही देश के मौसम को लेकर। मिचोंग तूफान का दिखने लगा असर। तमिलनाडु में हो रही है भारी बारिश। चेन्नई में हुई रेल सेवा प्रभावित। साइक्लोन मिचोंग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसके प्रभाव के कारण तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। चेन्नई में भारी बारिश को देखते हुए लोगों को घरों से ना निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र चेन्नई की तरफ से जारी किए गए मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी घंटों में तमिलनाडु के त्रिवल्लुर, चेन्नई, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिलों में कई स्थानों पर मध्यम गरज और बिजली के साथ मध्यम बारिश और कभी कभी तीव्र बारिश होने की संभावना है। पुडुचेरी में भी बारिश की संभावना जताई गई है। 4 से 6 दिसंबर के दौरान दक्षिण तटीय और आसपास के दक्षिण आंतरिक ओडिशा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है और 5 दिसंबर को उसी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी रेलवे की तरफ से नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि बारिश और जलभराव के कारण सभी चेन्नई उपनगरीय खंडों में उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से 8 बजे तक निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार सुबह से हो रही बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शोभ मंडल में पश्चिमी यूपी पर अवस्थित चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से अरब सागर में लगातार नमी आ रही है। इसी नमी का निम्न शोभ मंडली पूर्व हवाओं के साथ प्रतिक्रिया होने के कारण 4 दिसंबर को राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के पश्चिमी और मध्यवर्ती भागों में आसमान में सामान्यतः बादल छाए रहने की संभावना है। खेती किसानी और मौसम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक।